रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात व ख़वातीन, मज़बूत ख़ानदान मज़बूत समाज, इस उन्वान के तहत शोए ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक मुल्कगीर मुहिम 19 फरवरी तक 28 फरवरी चलाई जाएगी। एक खानदान जो किसी भी समाज का बुनियादी इदारा है, ये खानदान अगर इसमें खुशहाली हो, खुशगवारी हो, इसमें रहने वाले तमाम अफराद के दरमियान अगर खुशहाली है, खुशगवारी है, तो लाजिमन इसका असर समाज पर पड़ेगा। मगर सूरत हाल ये है कि मशरिक़ हो या मगरिब, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बिला इस्तिस्ना तमाम ख़ानदान बहुत सारे मसाइल से दोचार हैं। इन ख़ानदानों पर एक ऐसी तहजीब मुसल्लत है जिसकी बुनियाद ही गलत नज़रियात ज़िंदगी पर मबनी है। ये तहजीब, इसका बीज मगरिब में बोया गया और कुछ ही सदियों में ये बीज एक ऐसा दरख्त बनकर उठा कि इसके फूल, इसके फल, इसकी टहनियाँ लोगों को बड़े खुशनुमा नज़र आने लगी। आज भी लोग इस तहजीब के फलों को मीठे समझकर अपनाना चाहते हैं, मगर ये जहर आलूद हैं। इसके फूल देखने में खुशनुमा हैं पर खारदार हैं। इससे ऐसी टहनियाँ उभर रही हैं जो एक बहार का मंजर पेश करती हैं, मगर दरहकीकत एक जहर आलूद हवा उगल रही है। हमारे ख़ानदान इनसे बचे हुए नहीं हैं। मादियत परस्ती का रुझान और इस तहजीब की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, इसकी वजह से बहुत सारे खतरात हमारे ख़ानदानों पर मंडला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा नौजवान इस तहजीब का इतना दिलदादा हो रहा है कि उसके नतीजे में जो खतरात हमारे ख़ानदानों पर मंडला रहे हैं, इसका एहसास नहीं है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस समाज में रहने वाले ख़ानदानों को इस बात से आगाह करें, एक अवेयरनेस लाएं कि जिस तहजीब को हम अपना रहे हैं, जो सूरत हाल हमारे घरों की है, मॉरल वैल्यूज़, अखलाकी अकदार से दूरी, खुदाई तालीमात से दूरी, डिवाइन लॉज से दूरी, ये सारी चीज़ें हमारे अपने ख़ानदानों को तबाही के दहाने की तरफ खड़ा कर रहे हैं। अभी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इसी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए शोए ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद ने ये मुहिम मनाने का फ़ैसला किया है, ताकि इसके ज़रिए से हम एक अवेयरनेस लाएँ कि एक फैमिली का कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आज नौजवान शादी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि निकाह के बग़ैर भी, बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उनको बाहर सब कुछ मिल रहा है। कभी तो इतने मेटीरियलिस्टिक हो जा रहे हैं, इतनी खुदगर्जी इनके अंदर आ जा रही है कि वो ये समझते हैं कि जब शादी के बाहर सब कुछ मिल रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों शोल्डर करें। और औलाद जिसकी चाहिए था कि ऐसी तरबियत होती कि ये औलाद, ये नस्ल, चूँकि ख़ानदान एक नस्ल अफजाइश का ज़रिया भी है, ये औलाद जब बाहर निकलती तो ये समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करने वाली बनती। मगर चूँकि औलाद को वो सब कुछ घरों में नहीं मिल रहा है, उनकी तरबियत में कोताही हो रही है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि यही औलाद
जब वालिदैन बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ओल्ड एज होम के हवाले कर दिया जा रहा है। ये सारे खतरात हैं, ये सारे ये हैं, हमारे सोचने वाली बातें हैं कि हम किस तरह हमारे ख़ानदान को, हमारी सोसाइटी को इन चीज़ों से बचा सकें। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ संजीदगी के साथ हमको सोचना है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी के बग़ैर जिनसे ताल्लुकात का क़ायम करना हो, ज़िना का मामला हो, वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में छोड़ने वाला मामला हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुल्क में बसने वाले हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन ख़तरात को भी महसूस करें और इन हालात को भी जो है बड़ी संजीदगी के साथ हम सोचने वाले बने और इसकी तरफ हम अपना कदम बढ़ाएं, हमारे ख़ानदानों को, हमारे मुल्क को जो है इन ख़तरात से जो तबाही के दहाने पर ले जा रही हैं बचाने वाले हम बने। तो इसी मुहिम का तारुफ़ आपके सामने पेश करने के बाद अब आपके सामने इंशाअल्लाह वो जो भी काम मुहिम के दौरान है उसको बताया जाएगा। हिंद ने मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ह है कि ये सिर्फ मिल्लत के ख़ानदानों में या माशरे में नहीं बल्कि ये तमाम हिंदुस्तानी समाज को मुखातिब करेंगे इस मुहिम के दौरान। और इसकी तारीख भी आपने सुनी, 19 फरवरी तक 28 फरवरी होगा ये मनाई जाएगी। तो यहाँ पर इस मुहिम के दौरान होने वाले कामों की थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताना चाहूँगी। ये 3 लेवल पर प्रोग्राम्स होंगे इस मुहिम के, एक मरकज़ी सतह पर और दूसरा रियासती सतह पर और तीसरा जो है मुकामी सतह पर, ये प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं ताकि हम पूरे समाज में पेनेट्रेट होकर समाज के हर ख़ानदान को मुखातिब होने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मरकज़ी सतह के प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम होंगे। इसमें सबसे अहम जो है फैमिली काउंसलर्स, उकला और असातिज़ा के साथ लाइव इंटरव्यूज होंगे। फिर उसके बाद बैनुल मज़ाहिब एक मुबाहसा भी होगा जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में ख़ानदान का तसव्वुर, इस पर रोशनी डाली जाएगी। फिर अखबारात में वगैरह अभी से आर्टिकल्स और इसके ताल्लुक से नज़में और कहानियाँ शाये होना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुहिम के उन्वानात पर हम अखबार और रिसाले के स्पेशल इशू भी शाये करेंगे। कर्नाटक में अनुपमा जो ख़वातीन की तरफ से ही एक मैगज़ीन निकलता है महनामा, तो उसका स्पेशल इशू मार्च में आएगा। और फिर मरकज़ी सतह पर दावत अखबार जो है वो भी एक स्पेशल इशू उसका भी निकाला गया है। फिर मारूफ शख्सियात के बाइट्स और इंटरव्यूज़ भी नशर किए जाएंगे। रियासती सतह पर भी इसी तरह बैनुल मज़ाहिब वेबिनार सेमिनार होगा, फिर मुख्तलिफ शख्सियात के बाइट्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमीर शरीयत से भी जो है पैगाम नशर करवाया है, इंशाल्लाह वो भी रिलीज़ होगा। फिर मुकामी सतह पर भी यहाँ पर बहुत सारे काम करने के हैं क्योंकि हमें समाज के हर तबके को मुखातिब करना है। तो वहाँ पर भी कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, टी पार्टीज़ होंगे, फिर फैमिली गेट टुगेदर्स होंगे, फिर ड्राइंग रूम मीटिंग्स, पड़ोसियों के साथ प्रोग्राम्स, ये तमाम जो है इसका इनाखाद किया जाएगा। इसकी मनसूबा बंदी भी की जा रही है और बहुत जगह हो चुकी है। फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले रखे गए हैं, ऑनलाइन मुकाबले और फिज़िकल मुकाबले। तो उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, 30 साल से ऊपर की ख़वातीन के लिए और 30 साल से कम तालिबात वग़ैरह के लिए। इसमें पोस्टर डिज़ाइनिंग और फिर मज़मून निगारी, तहरीर और डॉक्यूमेंट्री बनाना और पोस्टर्स तैयार करना, ये भी हैं इसमें। और ये मुकाबले जो है, यहाँ गौर करने की बात है कि ये अवामी मुकाबले होंगे, यानी बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब के ये मुकाबले होंगे।
फिर शादी से पहले काउंसलिंग के प्रोग्राम्स का भी इनेकाद होगा। नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए काउंसलिंग के प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। फिर फैमिली क्विज और मुख्तलिफ मज़ाहिब के ख़वातीन को जो है जजेस के तौर पर बुलाकर मुकाबला जात भी कराए जाएंगे। और यहाँ ये तमाम प्रोग्राम होंगे। जी, ये इस तरह की मुहिम जो है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पहली मर्तबा नहीं मनाई जा रही है। इससे पहले भी हमने खुशहाल ख़ानदान के नाम से एक मुहिम चलाई थी, लेकिन इस मर्तबा ये ज़रूरत इसलिए आई कि ये जो नारा लगाया गया था आलमी वबा के बाद कि स्टे होम स्टे सेफ़ बोलकर, और लॉकडाउन के बाद जब तमाम ख़ानदान एक ही छत के नीचे ज़्यादा अपना तर वक्त गुजारने लगे तो वहाँ पर बहुत ही जो है प्रॉब्लम्स हुए। और अब ये मौजूदा मंजरनामा जो हम देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, माशी कमज़ोरी के मुंतशर होने की तरफ जो है ये आबादी बढ़ रही है, और लोग जो है अजवाजी ज़िंदगी से बाहर खुशी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद तलाक और दूसरे मसाइल में इजाफा हुआ है। तो ये महसूस किया गया कि ख़ानदान अब बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं इस वजह से, और काउंसलिंग के केसेस भी अगर देखें और नेशनल वीमेन कमीशन की जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो रिपोर्ट आई है वो देखें तो घरेलू तशद्दुद में इजाफे हुए हैं, और दीगर सर्वे रिपोर्टों में भी यही कहा गया है कि घरेलू तशद्दुद में इजाफा अपने 10 साल के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। तो ये सूरत हाल जो देखने के बाद और ख़ानदान में जो तनाज़ात हो रहे हैं उन तमाम को देखने के बाद जो है, और ख़वातीन के साथ भी ज़बानी जिस्मानी और जिन्सी और ज़हनी तशद्दुद और बदसलूकी के मामले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, और हमारे बच्चे नौजवान और सीनियर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम रुझानात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया, यानी ये हमने कैंपेन चलाने की ज़रूरत महसूस की, तो ये इसकी वजह से ये मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज का ये कैंपेन चलाने के लिए। जी ये बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं है? क्योंकि जब ये लिव इन रिलेशनशिप का रुझान बढ़ रहा है तो लोग जो है शादी से गुरेज कर रहे हैं, इसके नतीजे में हमको जो है मुआशरे में अच्छा, इसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई बाद में जो है ये नहीं रहता, मतलब बग़ैर शादी के बंधन में यानी इलीगल रिलेशनशिप की वजह से जो औलाद अगर होती है तो वो औलाद आगे चलकर यही जो है मुआशरे के लिए हमें दर्द सर बनते हैं, यानी उनकी ना सही तरबियत होती ना उनका कोई देखभाल करने वाला होता, ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर जब तक चाहे वो एक दूसरे से जो है लुत्फानंदोज़ होते हैं, जब उनको जो है ये मामला ख़त्म होता है तो जुदाई भी हो जाती है ये लोगों की, फिर ना तो वो लड़की का कहीं निकाह हो सकता है, उसके लिए ज़िंदगी पूरी जो है उसको जेरन बन जाती है, वो लड़का जब तक चाहे लिव इन रिलेशनशिप में साथ रखेगा इन्जॉय करेगा, जब उसका दिल भर जाएगा तो उसको छोड़ देगा, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता इस नतीजे में औलाद भी होती तो उस औलाद की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेगा वो। तो यहाँ से सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ का भी हमको जो है ये देखने को मिलता है। ये लव मैरिज से भी नुकसान हो रहा है। लव मैरिज देखिए दरअसल यहाँ पर नुकसान अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगर किसी जो है मटेरियलिस्टिक इसको सामने रखकर वक्ती तौर पर दोनों में मोहब्बत हुई है तो ये देर पा नहीं रहेगी, इससे भी जो है शादियां जो है देर तक कायम नहीं रहेंगी, तो वही शादी ज़्यादा देर तक देर पा रहती है जब वो एक दूसरे को समझ कर एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं शादी के कॉन्ट्रैक्ट में यानी एक निकाह के बंधन में वो बनते हैं तो वो शादियां जो है यानी बड़ों की भी वहां पर जब आमादगी होती है तो उनको एक सपोर्ट होता है। जब एक लड़का लड़की मोहब्बत से शादी करते हैं और लव मैरिज होती है अगर उनके बड़ों का उनको सपोर्ट है तो ये आगे चलकर इनको किसी तरह के खतरात का सामना नहीं करना पड़ता। अगर दोनों ख़ानदानों का उनको सपोर्ट नहीं है ये अकेले ही निकल कर कर ले रहे हैं तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उनको कोई मॉरल सपोर्ट भी नहीं होता और इस तरह से ये ख़ानदान भी फिर बिखरने का बायस बन जाता है। ये चल रहा है, इसमें हमको खुद अखबारात से भी और बहुत सारे इंटरव्यूज से मालूम होता है कि वो कोई उसकी बुनियाद नहीं है,
बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और उन्हों दो जने आपस की मंजूरी के साथ अगर वो इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो भी वहाँ पर दोनों बॉय एंड गर्ल दोनों की आपसी दिल की हाजिरी और मंजूरी के साथ हो रहे हैं, और अगर कोई उसमें से एक फ़र्द मर्द हो या औरत हो अगर अपने मजहब से दूसरे मजहब की तरफ अपने आप को पेश कर रहा है तो भी उनकी मर्जी से वो अपने आप को उन्होंने जो है एक फेथ से दूसरे फेथ, यानी अगर मर्द के फेथ में औरत आ रही है या औरत मर्द औरत की फेथ की तरफ बढ़ रहा है तो आपसी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कर रहे हैं। इसे जो है एक बात के पतंगड़ बनाया जा रहा है और इसे एक इसकी तरह यूज़ किया जा रहा है मुस्लिम्स को जो है टारगेट करने के लिए, बस इस्लाम को टारगेट करने के लिए और आपस में आपस मजहब के लोगों में जो है नफ़रत पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। ख़ानदान में मजबूती के लिए हर एक को अपना हक़ क्या है और अपने ड्यूटीज़ क्या हैं अच्छी तरह से उनको मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े तरीक़े से बता दिए हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले डिस्चार्ज करें। जब हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को डिस्चार्ज करेगा तो दूसरे को उसका हक़ मिल जाएगा। तो यह हमें ख़ानदानों में शऊर पैदा करना है कि हर एक के राइट्स भी होते हैं और ड्यूटीज़ भी होते हैं। और जैसे कि अब सास बहू का रिश्ता ही है, बहू अगर अपनी ज़िम्मेदारी सास के तहत निभाएगी तो सास को उसके उसके राइट्स मिल जाएंगे। अगर सास बहू के इसके उसके जो भी ज़िम्मेदारियां रहती हैं वो निभाएंगी तो बहू के राइट्स मिल जाएंगे। तो ये हमें इस बात को समझाना है लोगों को कि हम एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी गुजारें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो जहाँ जॉइंट फैमिलीज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा टकराव होता है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वही तो सेम रूल अप्लाइज। हाँ, हर जगह भी हर कोई अपनी जिम्मेदारी को पहले डिस्चार्ज करें ताकि उसमें दूसरों का हक उनको मिल जाए। एक्चुअली एज आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू ब्रिंग एन अवेयरनेस अमंग द यूथ ऑल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली the importance of a family and also to bring an awareness among the youth that if they are trying to run away from the responsibilities of a responsibilities which they have to shoulder after a marriage, then we are going to tell them, we are going to bring an awareness among them that as a result of running away from the responsibilities of fatherhood or as an husband, the results we are seeing in the society. What are the results we are seeing? Because men has a natural urge, they have sexual needs also. If they are running away from this institution of marriage, they'll try to complete this urge in illegal ways. As a result of this, our society is facing lots of problems. And West is already seeing the results of these things. So this only has resulted in live-in relationship and illegal sex, etc. So it's the duty of each and every one of us. Not only the ones who are running the campaign, it's duty of each and every citizen of our country that they should bring an awareness among the youth that family is an important unit of a society. Whatever happens in the family, we will see the results in the society. If we want our society to progress, if we want our society to flourish, if we want our society to develop, definitely the only thing is the family should be made strong. So these are the youths who are responsible, who can make a family strong.